दिवाली के दिन से उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकले की उम्मीद लगाए हैं। इसी बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार, सेना और टेक्निकल टीम दिन रात मजदूर भाइयों को सुरंग से निकालने के काम में जुटी हुई है। पूरी तरह से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी सभी मजदूर भाइयों को टनल से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने स्वयं वही डेरा डाला हुआ है और भारत ही नहीं बल्कि बाहर से भी विशेषज्ञों को वहां पर बुलाया गया है। जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास जारी हैं। मजदूरों को उनका जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए उनको पर्याप्त डाइट भी दी जा रही है और साइकोलॉजिकल उनको जो इस समय ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो मनोबल बढ़ाने के लिए वो भी सब किया जा रहा है। सेना सहित तमाम जितनी प्राइवेट एजेंसियां हैं जो उसके एक्सपर्टीज है जिनके पास, उन सबको वहाँ लगाया गया है। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि ये मजदूर सब सुरक्षित बाहर निकलेंगे।